अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डैफोडिल्स किचन। आज जो डैफोडिल्स किचन में बन रहे हैं जी, ज़बरदस्त से क्रीमी से सॉफ्ट से गोला कबाब बन रहे हैं। और इसके लिए तकरीबन मैंने 1 किलो कीमा लिया है और इसको एक दो दफ़ा चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है और साथ में मैंने एनिमल फैट भी डाला था 2-3, ठीक है, चर्बी डाली थी और उसके साथ मैंने इसको पीस लिया है, 2-3 दफ़ा चॉपर में घुमा लिया है। बेसिक स्पाइसेस चाहिए, कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, इसके अंदर जायफल जावेत्री 1/4 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक हसब जायका आप यूज़ करेंगे 1/4 टीस्पून, मैंने हल्दी ली है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और ये सबसे ज़बरदस्त जी ये मैंने क्या किया है कि 1 टेबलस्पून भर कर साबित धनिया, 1 टेबलस्पून भर कर ज़ीरा, और दोनों को भूना और पीस लिया। इसके अलावा ये भी बड़ी ज़बरदस्त बेसिक चीज़ है इसकी, इसमें क्या किया 6 से 7 हरी मिर्चें लिए तीखी वाली, उसके अलावा एक जो है हमने इसके अंदर आधी गड्डी के करीब धनिया, उसके अलावा तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन, यानी आप 1 पोती लहसुन ले लेंगे और तकरीबन 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक। तो इन सब चीज़ों को मैंने हरी मिर्चें धनिया और लहसुन अदरक को पीस लिया। इसके अलावा ये तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने चॉप किया, पानी स्क्वीज़ कर लिया। 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च ली है और ये तकरीबन 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, अच्छा मिर्चें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके अलावा तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के पपीता लिया है, इसी तरह ये 2 टेबलस्पून भर कर मैंने लिया है दही, हंग कर्ड है, इसमें से पानी निकालिए। लीमू चाहिए होगा तकरीबन 1 अदद। अब करना क्या है, सबसे पहले हमने कीमे को जो हमने पीस लिया था अच्छा सा, अच्छा कीमे में अगर आपको मॉइस्चर नज़र आए, वैसे तो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए कीमे में, तो अगर कीमे में अगर आपको मॉइस्चर नज़र आए तो आप 2 से 2.5 ब्रेड या 3 ब्रेड आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सही है जी। अब करना क्या है, इसे मैंने एनिमल फैट डाला था, मैंने आपको पहले भी बताया, ताकि अच्छा सा, अच्छा इसको फर्दर मॉइस्चर या मॉइस्ट करने के लिए आपने 1 टेबलस्पून घी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ताकि ये अच्छा सा मॉइस्ट सा कबाब आपके लिए तैयार हो जाएगा। ये हमारे स्पाइसेस के अंदर शामिल हो गए, ये स्पाइसेस इसके अंदर आ चुके हैं, हंकर्ड आ गया। अच्छा इसका मैरिनेशन टाइम तकरीबन 2 से 3 घंटे आप दे देंगे तो ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। ये तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल हो रहे हैं, ये आ गई जी प्याज, प्याज भी शामिल हो गई इसके अंदर। ये हमारा ज़बरदस्त सा जी जो पेस्ट था, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और धनिया, ये इसके अंदर शामिल हो चुका है, लाल मिर्च आ चुकी है। अच्छा स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि आप कम खाते हों और मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो ये स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग टू द फ्लेवर आप डालेंगे। ये आ गया भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, अच्छा इसको मैंने फ़ाइन पाउडर नहीं किया, देख सकते हैं ये दरदरा सा पीसा हुआ है। पपीता सबसे इम्पॉर्टेंट, अच्छा जी लीमू का रस तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का लीमू है, अच्छा रसदार लीमू है, ये इसके अंदर आ गया, ये देख सकते हैं। अब इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और फिर इसको जी हम टाइम देंगे फॉर मैरिनेशन फॉर अबाउट 2 आवर्स, और इसको आप नान के साथ खाएं या पराठे बना लें, तो ये ऑल अप टू यू। तो मैं इसको अच्छा सा नीट करती हूँ, अच्छा सा जी इसकी मिक्सिंग करती हूँ और फिर इसको मैरिनेशन टाइम देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, ये मैरिनेट किए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं मुझे, तो अब हमने एक स्कीवर्स में इसको शेप देना है, क्योंकि गोला कबाब है तो गोले जैसी शेप देंगे हम, सीख कबाब से थोड़ी डिफरेंट शेप होती है। हाथ गीला कर लिया है, ये देख सकते हैं ये ज़रा सा थोड़ा सा मोटा बनता है, ठीक है। और इसके बाद मैं 10 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि अच्छा सा ये सेट हो जाए। इस तरह मैं सारे ही कबाब बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ऑयल मैंने डाल दिया है पैन में और अभी आप ये देख सकते हैं, फ्रिज में मैंने रख दिया था या फ्रीज़र में फॉर अबाउट 10 मिनट्स आप रख दें तो ये सेटल डाउन हो जाएंगे। अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और फ्राई करते हैं। अच्छा ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो कर दिया इस वक्त, और अब मैं बिस्मिल्लाह इसको फ्राई करेंगे, तो राउंड अराउंड इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं ज़बरदस्त अच्छे साइज आप छोटा बड़ा इसका कर सकते हैं, मेरा साइज थोड़ा सा इसमें मैंने बड़ा रखा है और थिक भी है, आप साइज अपने लिहाज से आप इसको रख सकते हैं। तो आइए देख सकते हैं ज़बरदस्त की फ्राइंग हो रही है,
और फौरन ही नहीं पलटेंगे इसको, तकरीबन 2 से 3 सेकंड गुजर जाएं फिर इसको हम टर्न करेंगे। अभी जो मेरा फ्लेम है ऑयल गर्म हो जाने के बाद, लो फ्लेम है, ठीक हो गया। अब इतने एनफ है, वरना ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा, इतने काफ़ी हैं। अब मैं इसको राउंड अराउंड अच्छा सा कुक करूँगी, फिर इसको सर्व कर। ये गोला कबाब हमारे रेडी है। अब मैं इसमें कोयले का धुआं दे रही हूँ और इस पर अब मैंने ऑयल डाल दिया। अब ये सर्विंग के लिए आफ्टर 2 मिनट्स रेडी हो जाएगा। चलें जी, हमारे ज़बरदस्त से जी गोला कबाब हमारे रेडी हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर से ट्राई करें। ज़बरदस्त सी रेसिपी, बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी से गोला कबाब हमारे रेडी है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, इसमें हमने जो स्मोकी फ्लेवर दिया है वो तो ज़बरदस्त है, इसके टेस्ट को क्या करेगा इन्हांस। ये देखें आप, ज़बरदस्त से हमारे गोला कबाब गर्मा गर्म सर्व करें, और बहुत इजी टू कुक है। गेस्ट आने वाले हों बना के आप रख दें, और जब वो आए तो आप इसको जस्ट फ्राई करें और रायते के साथ सर्व कर सकते हैं आप इसको। तो ज़बरदस्त जी आज रात जी गोला कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ईट हेल्दी स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।